बहुत ही पेट में दर्द हो रहा है, कुछ दे सकती हैं? हाँ मैं ग्रीन टी चलो आपके लिए बनाती हूँ। ठीक आप ऐसे है, करो, बेड पे जल्दी लेट जाओ, करना। बेड पे जाके ठीक लेट जाओ। है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज अशद जब स्कूल से घर आया तो उसके पेट में शदीद दर्द था, उसे वॉमिटिंग भी फील हो रही थी, तो मैंने सोचा उसके लिए ग्रीन टी बनाती हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने 4 कप पानी लिया। चूल्हा ऑन किया फुल पे। देखिए मेरे घर के पुदीने हैं, तकरीबन 3-4 डंडियाँ, 1, 2, 3, 4 डंडियाँ पुदीने की इसमें डाल दी। अगर फ्रेश पुदीना नहीं है तो आप इसमें ड्राई पुदीना भी डाल सकते हैं, स्टोर किया हुआ ड्राई मिंट घर में, ये भी डाल सकते हैं इन केस अगर आपके पास फ्रेश पुदीना नहीं है। ये देखिए 1 चम्मच सौंफ, 4 कार्डमम, ये अजवाइन तकरीबन 1 चुटकी, ये ब्लैक कार्डमम, ये बादियान की फूल और एक दालचीनी का टुकड़ा। अब ये सारी चीज़ें इसमें डाल दें और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। मैं यहाँ टाइम सेट कर देती हूँ। टाइम हो गया 10 मिनट। अब इसमें मैंने ये साशी इस तरह से इसके अंदर इस तरह से डाल दिया और चूल्हा बंद कर दिया और इसे ढक के छोड़ दिया। इसे स्ट्रेन कर लें। आधा कप भी बहुत है छोटे बच्चों के लिए। चीनी या शक्कर डाल के मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट, सबसे बेस्ट ये है कि इसको इसी तरह पिया जाए। चाहें तो इसे जो रिमेनिंग है इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसका कलर कितना खूबसूरत है, बच्चे यकीनन इसे पसंद करेंगे। इसमें लेमन ना ही डालें तो बेहतर है। ठीक है, ग्रीन टी बन गई। जल्दी से पी लो। ये जा रहा है। ये कहवा बच्चे और बड़े दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब तक हाजमा ठीक ना हो तब तक ये दिया जा सकता है। पानी जैसा टेस्ट था, मजे का था। थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी तुम्हारी उल्टियाँ भी। हाँ जाके ले जाओ ऊपर। ठीक है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।